हेलो डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। जिन भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए एक बहुत ही खास खबर आई है। बीएड का कोर्स अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, इसी के साथ डीएलएड भी बंद हो गया है। सो फ्रेंड्स, पूरी खबर क्या है वो हम डिटेल में आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और इससे संबंधित जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी हुआ उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके की न्यूज़ पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही डालते हैं तो आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने बीएड का कोर्स बंद कर दिया है और आते 6 साल के अंदर यानी 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता को भी बदल दिया जाएगा। बीएड करने की यदि आप सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो बीएड का कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि यानी अब से 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता को बदल दिया जाएगा। 4 वर्ष का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर ही सभी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, डीएलएड के कोर्स को भी बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स को भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सरकार की ओर से 2 वर्ष से बीएड कोर्स को इसी साल तक रखा जाएगा, इसके बाद आगे 2 वर्ष के बीएड कोर्स को आप नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट का ये फैसला उच्च शिक्षा यानी उच्च शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया है। नई शिक्षा नीति के मद्देनज़र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से बीएड कोर्स में तेज़ी से बदलाव किए जा रहे हैं। ये आप सभी जानते हो, शिक्षा मंत्रालय की ओर से अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों में यानी 2030 से सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के अनुसार बहुविभिषक संस्थानों को विकसित करने की तैयारी हो रही है। आप सभी को जानकारी के मुताबिक बता दें कि NCTE ने 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बंद करने के बाद अब पुराने 4 वर्षीय बीएड कोर्स यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए विभाग की ओर से बकायदा आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब विभाग की ओर से इसके संबंध में नए एडमिशन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। अगर कोई नया बीएड कोर्स करना चाहता है तो उसे 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स यानी आईटीपी कोर्स करना होगा। आप बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता को बदल दिया जाएगा। फिर आपके सवाल का जवाब होगा हाँ, बदल दिया जाएगा। 6 साल के बाद 4 वर्षीय नया आईटीपी कोर्स के आधार पर ही सभी शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 27-28 से एक एक करके प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रमों को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से बीएड के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की जगह नया आईटीपी कोर्स चालू किया गया है जिसके लिए वर्तमान में प्रवेश शुरू हो गए हैं। ये प्रवेश फिलहाल तो कुछ ही कॉलेज में उपलब्ध हैं, अगले साल तक देश के सभी कॉलेज में ये लागू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही आपने अभी तक अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही डालते हैं तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।